नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। अपनी मां की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि विसर्जन करने पिता और भाई के साथ 29 सितंबर को गढ़ा गुप्ता कॉलोनी निवासी शिवहरे परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जब ट्रेन मैहर स्टेशन पर पहुंची और उनके पिता गुलाब चंद शिवहरे बिना कुछ कहे ट्रेन से नीचे उतर गए, जिनको बहुत खोजने पर भी उनका पता नहीं चला, जिसकी रिपोर्ट दोनों भाइयों ने कटनी जीआरपी थाने में दर्ज कराई। पर एक माह के बाद भी आज दिनांक तक उनकी कोई खबर नहीं मिली, जिससे परेशान दोनों भाई गढ़ा थाने भी गए, पर मामला कटनी थाने का बताकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। आज वो अपने पिता की फोटो लेकर एसपी ऑफिस भी आए। यहाँ भी मामला कटनी जीआरपी का बताकर वहीं जाने को कहा गया। थक हार कर दोनों भाई मुकेश और नरेश शिवहरे संभागीय कमिश्नर कार्यालय जाकर आवेदन पत्र दिया और गुहार लगाई गई कि उनके पिता गुलाबचंद को खोजने में पुलिस उनकी मदद करे, क्योंकि मुकेश दिव्यांग होने के बाद ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकता है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मैं मुकेश कुमार शिवहरे, मैं अपनी माता जी की अस्थियां लेकर 29/8/2022 को इलाहाबाद जा रहा था। जिस और मैहर और कटनी के बीच में हमारे पिताजी, जब मैहर पहुँचे तो मैहर में हमारे पिताजी ट्रेन से उतर गए, जिसकी कंप्लेन हमने वहाँ पर दर्ज करवा दी थी, और आज दिनांक तक हमारे पिताजी का कोई पता नहीं चल पाया है, जिसकी शिकायत लेकर आज हम एसपी साहब के यहाँ पर आए हुए हैं। क्या बोला यहाँ पर एसपी साहब ने? बोला है कि ये रिपोर्ट लेकर आप कटनी एसपी साहब के पास जाएं। कहाँ रहते हैं? हम जबलपुर मेडिकल कॉलेज जबलपुर में रहते, गुप्ता नगर में। हमारी एक छोटी सी पान की दुकान है। पिताजी है क्या? गुलाबचंद शिवहरे। कितनी उम्र है? 70 साल। क्या करते? कुछ नहीं करते थे, घर में रहते थे। आप क्या चाहते हैं? हमारे पिताजी को पुलिस ढूंढने में मदद करें। मुकेश कुमार शिवहरे। ऐसी खबरों बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।